तो लीजिए भैया, हो गया ना गुड़ गोबर, और हनुमान जी से कहलवाइए, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, रावणवा तेरे लंका तेरे बाप का। लीजिए, अब रावणवा मांग तो रहा है अपना कपड़ा तेल, कह रहा है वापिस कर दो। कैसे वापिस करिएगा महाराज? अरे शुक्ला जी, आप ही बताइए कैसे वापिस होगा? हैं, राम जी के ज़माने में तो तेल का दाम बहुत कम रहा होगा, चाहे शायद नहीं रहा होगा, लेकिन आज तेल की कीमत क्या है आपको मालूम है ना? हैं, कपड़े की कीमत है, महंगाई कहाँ चला गया है? आपको तो बस बेइज्जती कराना था, करवा दिए। अब लीजिए, रावण अपने दिल पे ले लिया है। अरे भाई, तुम तड़ाक कराने की क्या जरूरत थी, वो भी सम्मानित हनुमान जी के मुंह से। हैं, तेरे बाप का, तेरे बाप की लंका, तेरे बाप का कपड़ा, तेरे बाप का तेल, अब मांग तो रहा है, कह रहा है भैया हमारा तेल वापिस कर दो, हैं हमारा कपड़ा वापिस कर दीजिए, कि हमको भाई ये गालदू मैच नहीं खेलना है। आप लोग तो बेइज्जत हो रहे हैं, हम भी बेइज्जत हो जा रहे हैं। अब बताइए, इतना पढ़ा लिखा जो रावण था, इतना बड़ा विद्वान रावण, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच गया भैया, अब वो नहीं झेलना चाहता है, मांग रहा है कपड़ा। अब शुक्ला जी बताएं महाराज, अब क्या किया जाए? हैं, अब जब तेल हमारा, कपड़ा मेरे बाप का, लंका मेरे बाप की, तो भैया लौटा दो हमारा सब कुछ। अब रावण कह तो रहा है, अब क्या किया जाए बताइए आप? हैं, इतनी भारी बेइज्जती उसकी हो गई है, वो दिल पे ले लिया है भैया। मैंने आदि पुरुष के नाम पे, मर्यादा के नाम पे ये जो चीज़ें करी गई हैं, जो डायलॉग लिखा गया है, अब उसका मैं क्या बताऊं यार। अब वो रावण मांग रहा है बार बार भैया, बार बार मांग रहा है, कह रहा है कि शुक्ला जी से आप बात करिए, हमको दिलवाइए, हमारा कपड़ा उपड़ा दिलवाइए, हम चले जाएं। और हाँ शुक्ला जी, वो कालीन वाला भी आया है, कह रहा है कि भैया काल के लिए जो कालीन आप बिछवाए थे ना, वो कालीन अब वापिस कर दीजिए, बहुत घोर बेइज्जती हो गई आदि पुरुष से, अभी कालीन हम देंगे नहीं, और हाँ सूद समेत पैसा लेंगे। अलग कालीन के नाम पे, काल के नाम पे कालीन बिछवा दिया आप लोग हैं, बताइए। राम के ज़माने से हम ये कालीन बिछाए हैं, अब आदि पुरुष नहीं आया होता तो हम छोड़ दिए होते, लेकिन आदि पुरुष आ गया है, अब इतना घनघोर बेइज्जती हुई है कि अब भैया ये कालीन हम नहीं छोड़ेंगे, सूद समेत हमको जो है इसका पैसा चाहिए। और सुनिए शुक्ला भैया, ये जो बुआ वाली बात आप आदि पुरुष में कहवाए हैं ना हनुमान जी के लिए, हनुमान जी बहुत नाराज हो गए हैं भैया, बार बार मुंह फुला के आ जा रहे हैं सामने, हमसे पूछ रहे हैं कि भैया ये कौन हिम्मती आदमी है भाई, जो लिख दिया कि तेरे बुआ का बगीचा है क्या है? माने मेरे लिए भी कोई ऐसा चीज लिख सकता है? बताइए कि तुम्हारी बुआ का बगीचा है क्या, जो तुम यहाँ हवा खाने आ गए? हैं, सही में हवा अगर खा लेंगे तो फिर सोच लीजिए क्या होगा। जब हम सूरज को खा सकते हैं तो हवा को भी खा सकते हैं, जान लेना बबुआ, बता देना शुक्ला जी को, ठीक है ना? अगर हम सही में नाराज हो गए तो जिस दिन हवा को मुंह में भर लेंगे ना, दांत चियारते पूरा धरती के लोग घूमेंगे। हैं, हवा को जिस दिन हम ले लिए ना, तो फिर सोच लेना कि क्या होगा। ज़्यादा क्रोधित मत करो, नहीं तो हवा को ऐसे रोकूंगा कि सब स्क्रिप्ट लिखना भूल जाओगे तुम लोग। अब बताइए शुक्ला जी, अब क्या जवाब दें महाराज हम उनको? हैं, हनुमान जी से क्या कहें? हैं, आप तो महाराज तुम तड़ाक करा दिए हनुमान जी को, झेलना हम लोगों को पड़ रहा है। आप कह रहे हैं कि हमारी दादी नानी ऐसे ही कहानी सुनाती थी, हम लोग की भी दादी नानी रही हैं, हम लोग को भी पता है कैसे कहानी सुनाती थी, मतलब बचाव के नाम पे आप कुछ भी कहेंगे। अरे महाराज, अपना इज्जत तो नहीं आपको है, लेकिन भगवान की तो इज्जत किए होते। अरे अब हनुमान जी नाराज हैं। और सुनिए, ये जो सपोले वाला आप बयान लिखवाए हैं ना, सारे सांप देवता लोग ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं कि यार फन उठाए घूम रहे हैं, और कह रहे हैं कि भैया वो कहाँ है स्क्रिप्ट वाला, थोड़ा मिलवा दीजिए, हम लोग भी तो थोड़ा देख लें कि कैसे शेषनाग को लंबा किया जाता है। अब बताइए महाराज, ऐसा ऐसा डायलॉग आप आदि पुरुष में दे दिए हैं कि हर कोई ढूंढ रहा है, जो देख के थिएटर से निकल रहा है वो भी ढूंढ रहा है, हनुमान जी ढूंढ रहे हैं, रावण ढूंढ रहा है, सब कुछ ढूंढ रहा है, और हर कोई जो है अपनी अपनी चीज़ें वापिस लेना चाहता है। अब हम क्या करें? हैं, जो रावण के मुंह से आप लंका लगवाए हैं ना, कि जो हमारी बहन को छोड़ेगा हम उसका लंका लगा देंगे, अब रावण खुद लंका लगाने आ रहा है, आप कहाँ भागते जाया जाए, आप खुदे बता दीजिए। मैंने कुछ आप लिख दिए हैं, फंसा दिए हैं जनता को, हैं अब क्या करेंगे हम लोग भाई? हम तो ठहरे देखिए भगवान के भक्त, रावण को भी हम बहुत मानते हैं भैया, कहें कि विद्वान आदमी था हम मानते हैं, तो हम तो भैया बच जाएंगे, सीधी सी बात है, भगवान जी से कह देंगे, रावण से भी कह देंगे कि भैया हम लंका नहीं लगाए हैं, जो लंका लगाया है कहिए तो आपका एड्रेस दे दें। हैं, अब क्या करें भैया, कुछ तो करना ही पड़ेगा। और सुनिए, आप भी चोरी छिपे कहीं छिप जाइए, और एक और आदि पुरुष लिख दीजिए, और जो इसमें गलती उलती किए हैं ना,
वो सारी गलतियां दूर करके थोड़ा मर्यादा भरा हुआ डायलॉग लिख दीजिए। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम सब कुछ माफ करने वाले हैं, वो सब कुछ माफ कर देते हैं, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हनुमान जी का भी गुस्सा शांत हो जाएगा, रावण जी का भी गुस्सा शांत हो जाएगा। कुछ अच्छा लिख दीजिए महाराज, हम चलते हैं। ठीक है, बाकी आप पर है। शुक्ला जी देखिए भाई, संभाल लीजिए सब कुछ। नमस्कार।